दुखी है मेरा, उन लोग परिवार से बहुत पहले से नहीं हूँ, लोग 2009 से दमन दीव के सांसद श्री लालू भाई से भी हमारा निवेदन है कि वो मुख्यमंत्री आदरणीय नारायण राणे जी जिसके पास क्लिक भाई फाल्गुनी में मैं हमारे माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष उपस्थित सभी भाई और बहनों और दोस्तों, पालिका अध्यक्ष एसपी जबानिया आदरणीय रामजी भाई, पिछले दो दिन अहमदाबाद में था, आज पहले 2014 में स्वच्छ भारत अभियान दिया और आज के यहाँ उपस्थित हमारे देश हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री नीतीश शिंदे, हमारे दीप से आए हुए नगर पालिका अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, लगातार बारिश हो गई और बहुत भारी बारिश। मंत्री जी भी तब मुंबई से निकले हैं तब मुंबई में भी हमसे ज्यादा बारिश हो गई। यहाँ जहां से सभा को संबोधन करने आने वाले मंत्री जी वहां भी बारिश, और जहां सभा होने वाली है यहां भी बहुत जोर में बारिश। लेकिन हमारी पार्टी का स्वभाव है, प्रधानमंत्री जी का स्वभाव है कि आपदा को अवसर में पलटने का, और जब मंत्री जी यहाँ आ रहे हैं ऐसे अवसर को हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो आप सभी जनता ने यहाँ पर आकर अवसर में पलटने का काम किया है, आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन। मित्रों, हम अभी अमृत काल में जी रहे हैं। मैं अमृत काल में जी रहे ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हमारे पास सभी सुविधा है, पढ़ने के लिए अच्छी शालाएं, अच्छी कॉलेज, रोजगार के लिए इंडस्ट्रीज, ये सभी सुविधाएं है, ये सभी सुविधा है, इसलिए अमृतकाल है ऐसा नहीं। लेकिन ये तो 9 साल है, ये आपातकाल से अमृतकाल का सफर है, ये अंधेरे से उजाला का सफर है। हम जब अमृतकाल की बात करते हैं तो आज से 5 दिन पहले सिलवासा में 25 जून को सभा थी, और ये 25 जून 1975 में कांग्रेस ने इस देश में आपातकाल लगाया। हम जब ये अच्छे से देख रहे हैं तो हमें कांग्रेस ने इस देश में कैसा शासन किया था, कैसे काला दिन लगा था, इसे भी जानना जरूरी है। यह आपातकाल क्या था? आज ये सभी लोग एक साथ होकर आपातकाल की बात करते हैं, लेकिन जब कांग्रेस शासन संभाल नहीं पाई तो उन्होंने आपातकाल लगाया, और आपातकाल लगा के जन्म से लेकर मृत्यु तक इस सरकार ने जनता की चिंता की, और इसीलिए ये अमृतकाल। ये अमृतकाल के साथ साथ 9 साल में ऐसे ऐतिहासिक फैसले भी सरकार ने लिए, ये सभी चीज हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। पिछले 70 सालों से इस देश में कश्मीर को अखंड भारत का भाग नहीं किया जाता, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आर्टिकल 375 निकाल के इस कश्मीर को भारत का अखंड भाग बना दिया। साथ साथ 70 सालों से लटका हुआ फैसला राम मंदिर निर्माण, ये राम मंदिर निर्माण का भी फैसला प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ले गया। त्रिपल तलाक की बात हो, ये त्रिपल तलाक का काम भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ। ऐसा बहुत सारे तो देश के ऊपर छोड़ देते, लेकिन ये
जैसा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है कि जब देश में तकलीफ आती है वो खुद अपने सर पे लेते हैं। हम सभी ने देखा है कोरोना का काल, पूरा विश्व है वैश्विक महामारी का दौर से गुजरा। सकारात्मकता से एक कदम उठाया कि 9 महीने में हमने अपने ही देश में वैक्सीनेशन दिया। कांग्रेस का वो शासन था जिसने हमने अपने देश में पैदा की और ये रस्सी साथ 220 करोड़ लोगों को ये रस्सी लेके इस देश को सुरक्षित रखा है। और ये खाली देश को सुरक्षित रखा है ऐसा नहीं है। जब कोरोना काल था तब रोजगार नहीं था, रेलवे बंद थी, इंडस्ट्रीज बंद थी, पूरे देश में कोई रोजगार की व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी थी, लोगों को खाने की प्रॉब्लम हो गई। तभी भी प्रधानमंत्री जी ने ये सेवा निश्चित की कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इस देश के 80 करोड़ लोगों को 3 साल के लिए 5 किलो विश्व में ही रोशन किया। आप सभी लोग ने यूक्रेन और रशिया का युद्ध देखा होगा टीवी पे। हमारे 30,000 बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए रशिया गए हुए, यूक्रेन गए हुए। और जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ तो हमारे मेडिकल में अभ्यास करने वाले सभी विद्यार्थी वहां फंस गए। और तभी प्रधानमंत्री को सरपंच से भी स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन सभी की निमंत्रित करता हूं। भारत माता, पहले आपसे क्षमा मांगता हूं, 10 बजे से आप बैठे हैं, ट्रेन लेट होने के कारण मैं लेट पहुंचा, मगर नैतिकता में लेट पहुंचा, इसलिए मैं आप सभी का क्षमा चाहता हूं। भाई और बहनों, आज के महासंपर्क अभियान में मेरे साथ उपस्थित यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री लालू भाई पटेल, आदरणीय दीपेश पाटिल जी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, आदरणीय जिलाध्यक्ष जागृति बेन, महानगर पालिका अध्यक्ष SP दबानिया, आदरणीय रामजी भाई, लक्ष्मी बेन दीव जिला पंचायत उपाध्यक्ष, आदरणीय क्रीड वाजा प्रदेश उपाध्यक्ष हेमलता बेन, श्रीमती रश्मि बेन, श्रीपद तांडेल जी महिला मोर्चा अध्यक्ष, दीव दमन विभाग में आया। पिछले 2 दिन अहमदाबाद में था, आज सभी को मिलने के लिए मैं आया। आप सभी को मिलकर मेरे को खुशी हो रही, मैं पहली बार आ रहा हूं, पहली बार। वैसे तो मैं मुंबई में रहने वाला, मुंबई 8.5 घंटे पे है, मगर यहाँ आना कभी नहीं हुआ, पर अच्छे मौके पे आना हुआ कि लोकसभा संपर्क अभियान के माध्यम से मैं आपको मिलकर हमारे देश के लोकप्रिय पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने पिछले 9 साल में जो देश के नागरिक 135 करोड़ लोगों के लिए जो अलग अलग योजनाएं घोषित किया, अमल किया और लाभार्थी को लाभ मिला, तो 24 को चुनाव आने वाला है कि चुनाव के पहले लोगों तक जाकर हमारे पंतप्रधान ने जो काम किया है, कार्य किया है, सेवा किया है, दुनिया में भारत का नाम किया है, उसकी जानकारी आम जनता तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता नेता जन जो कर रहे हैं, वो कार्य और काम हमारे भारतीय जनता पक्ष दिल्ली से जान ला चाहता है। आप लोग जो काम कर रहे हैं, मैं यह आने के पहला समझ लिया, जान लिया किस तरह से काम चल रहा है, बूथ प्रमुख का काम, पन्ना प्रमुख का काम,
जिलाध्यक्ष का सभी का काम बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं। पहले मैं जैसे मैं स्टेशन में उतरा वैसे हमारे सांसद भाई लालू भाई पटेल सामने आए, स्वागत किया। बाद में उनको मिलकर मैं पूछा, लालू भाई कैसा काम चला, क्या उम्मीद रखते हैं 24 के चुनाव की? तो एकदम खुशी से बोले, सर कोई चिंता करने की बात नहीं, हम भारी वोटों से चुन के आने वाला है। तो मैं बोला, मेरा अभी कुछ काम नहीं है, मेरे को स्टेशन से बोलते हैं कि हम भारी वोट से जीतते हैं, मैं चाहता हूँ बैक टू दी प्रेजिडेंट मुंबई में। अगर ये जो उपस्थिति देखता हूं, ये हमारे लालू भाई पटेल का विजयी होने का ये अच्छा चिन्ह है। उनका काम कार्यकर्ता प्रधान और केंद्र सरकार और यहाँ के प्रशासन का काम है, इसकी यहाँ की जनता खुश है, इसलिए उपस्थित है। मैं समझता आप सभी को धन्यवाद। देखिए 2014 में कनका प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी बने, 14 में कब दुनिया के अर्थव्यवस्था में भारत 10वें क्रमांक में था, 10वें क्रमांक। अभी 9 साल पूरे किए कनका प्रधान जी ने, जब भारत दुनिया के अर्थव्यवस्था में 5वें क्रमांक में आए, 5वें क्रमांक। 9 साल में इतनी तरक्की, इतना विकास देश का हर क्षेत्र में हुआ। हमारे सांसद अध्यक्ष दोनों ने, मोदी जी ने जो 9 साल अलग अलग क्षेत्र में काम किया है, वो कोरोना के कार्यकाल में 80 करोड़ गरीबों को खाना देने का है बोले, उनका गौरव किया, उनके कार्य का गौरव किया, ये बात भारत के लिए अभिमान की है, गमेंट की है, गर्व की बात है। अमेरिका का प्रेसिडेंट भारत के पंचम प्रधान का गौरव करता और कहते कि भारत दुनिया के हर अर्थव्यवस्था में महासत्ता बनने वाला है, ये अमेरिका का प्रेसिडेंट। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया और बाकी भी राष्ट्र के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने इसी तरह का उद्गार निकाला, अपने लिए कितनी गर्व की बात, गर्व की बात। मीडिया वाले ने काफी जानकारी, इसके पहले काफी कांग्रेस 66 साल सत्ते में थे, जब भी पंचम प्रधान थे, वे नाम नहीं लेता किसी का, और उस तरह का पंचम प्रधान का इस तरह का गौरव स्वागत, और भारत महासत्ता बनने वाला है, वो अमेरिका प्रेसिडेंट का बोले। आज देखो आज की स्थिति, मैंने कहा कि भारत 5वें क्रमांक में है, अमेरिका है, चीन है, जर्मनी जापान है, उसके बाद भारत, अपने आगे जापान जर्मनी है, 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर अपने से आगे है। मोदी जी ने कहा अगले 2030 में, 2000 किसमें जगह में से उठना नहीं, तब फिर बुलाना नहीं उनको, और इसलिए मैं मानता हूं कि हमारा देश प्रगति के दिशा में जा रहा है, प्रगति कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। मैं उनके मंत्रिमंडल का एक कैबिनेट मंत्री हूं। आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, जाइए वहां क्या स्थिति है समझ लो और रिपोर्ट करिए, इसलिए मैं आया। पर यहां आने के बाद दोनों सीटें जो है इस प्रदेश के, वो दोनों सीट भारी वोट से चुन के आने वाले सुनकर मुझे खुशी हुई, खुशी। ये सब श्रेय मैं हमारे कार्यकर्ताओं को देता हूँ, पार्टी के पदाधिकारी को देता हूँ, उनकी मेहनत और निष्ठा के कारण आज हमारे पटेल साहब कहते हैं, साहब अगले साल 100% चुनता है, ये विश्वास। तो मैं आपको इतना ही कहने आया हूँ, ये जो 9 साल का कार्य है मोदी साहब का,
ये तो आप तक पहुंचा होगा, वो हर लाभार्थी को मिलकर कहिए कि आपको मोदी साहब ने ये सब योजना दी है, आपको विविध क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, आरोग्य क्षेत्र में, रोजी रोटी के लिए आपको ये मदद किया है, लोन दिया है, तो आपको आने वाले चुनाव को आप और आपकी फैमिली के मेंबर वोटर सभी को मोदी जी का पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट देना है। इसलिए बात अब आम जनता तक लोगों तक पहुंचाने का काम आप लोग करें, ऐसा मुझे विश्वास है। आज देखिए देश में मोदी जी एक साइड अकेले है, बाकी विपक्ष के 16 नेता, 16 पार्टी के नेता इकट्ठा हुए बिहार में पाटन, इसलिए हुए 16 पार्टी के नेता इसलिए हुए कि मोदी जी का नाम हो रहा है, जो भी इसमें मोदी फिर वापिस चुन के आना नहीं चाहिए, इससे इकट्ठा हो रहे तो फायदा है। हर पार्टी पहले कहती थी कि हम सोते बोलते पर हम सत्ता लाएंगे, अभी 16 मिलकर बोलते हैं हम सत्ता लाएंगे, पॉसिबल नहीं है। ये छोटे छोटे पार्टी सब मिलके 50-60 भी सांसद नहीं चुन के आएगा, 531 है। मैदान में थे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी साहब और नड्डा सिंह के साहब के नेतृत्व में, अमित भाई के नेतृत्व में 400 से ज्यादा सीटें इस बार चुन के आए। इसके बाद 144 सीटें अपन हारे थे भारतीय जनता पार्टी और 303 जीते थे, ये बार 147 में से 144 में से 100 सीट अपने को जीतता है। लास्ट टाइम का 303 और 403 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के फिर एक बार पीएम मोदी जी को बैठा रहा है, इसलिए अपने को मेहनत कर रहा है और भारी ओर से अपने कैंडिडेट को एक कर। मैं यहाँ पूछा, हर बात पूछा, मैं एमएसएमई का मंत्री हूँ, उद्योग विभाग मेरे पास है, उसमें माइक्रो है, सूक्ष्म उद्योग है, उसमें लघु उद्योग है, स्मॉल उद्योग, मीडियम है, मध्यम है, 6,40,00,000 उद्योग मेरे डिपार्टमेंट के अंदर है। मैं आते थे हमें जिला अध्यक्ष मेरे साथ बैठे थे, उनको पूछा यह इंडस्ट्री कितनी है, मैं बोला मुझे कहा इस जिले में 3,000 के करीब है और वो अगले दादा हवेली वहां 3,500 बराबर है, 6,500 बड़ा बंडा जी, इंडस्ट्री बड़ी आनी चाहिए, यहाँ का पर कैपिटा इनकम भी 2,00,000 के 1,84,000 है, वो भी 2,50,000-3,00,000 तक जाना चाहिए, उत्पादन बढ़ाना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। जब आप लोग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे इंडस्ट्री आएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, रोजगार मिलेगा, तो अपनी जीडीपी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और भारत आत्मनिर्भर बनेगा, महासत्ता के दिशे जाएगा और जल्दी से जल्दी तीसरे क्रमांक में भी आ सकता है। मैं एमएसएमई के मंत्री, बाद में आप जब बुलाएंगे मैं आऊं, अधिकारियों के साथ आऊं, किसको किस टाइप का बिजनेस करना है, किस क्षेत्र का उद्योग करना है, जो चाहे वो मदद हम दे, हम लोन देते हैं, सब्सिडी देते हैं, टेक्नोलॉजी देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, एक्सपोर्ट को भी मदद करते हैं, मार्केटिंग को मदद करते हैं, सरकार मैं बोलेंगे तो केंद्र सरकार लेने के लिए आगे आ गया। तो भाइयों, मैं चाहता हूं भारत का, भारत में ऐसे कई स्टेट है जैसे गोवा है, छोटा है पर कैपिटल इनकम 4,500,000 है और 4,500,000 का जीवन जीते हैं, अमेरिका का कितना है 56,00,000, लंदन का कितना है, ब्रिटेन का 48,00,000,
ऑस्ट्रेलिया का 40 लाख और अपना 2 लाख, 2 लाख के अंदर 1,97,000, 2 लाख के अंदर ये बढ़ना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। और आपके जिले का है कि आपका ये जीव जमान और दादा रवेली का है 1,84,000। इसलिए उद्योग बढ़ना चाहिए और उद्योग में उत्पादन ज्यादा करना चाहिए। जिस उत्पादन में मुनाफा है ऐसे विदेश करना चाहिए, उसके लिए सरकार मदद के लिए तैयार। मैं एक जानकारी दे तो कोरोना का कार्यकाल में सब मीडियम माइक्रो और स्मॉल 60-70% इंडस्ट्री बंद हुई कोरोना के कार्यकाल, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने जागरूक थे, उन्होंने तुरंत कहा ये बंद इंडस्ट्री तुरंत चालू होनी चाहिए। उनको क्या मदद, पैसा बिकने नहीं कहे, बोला नहीं। मोदी जी ने कहा इंडस्ट्री तुरंत चालू होना चाहिए, क्या उनको चाहिए, देखो लोन चाहिए, लोन उपलब्ध करो। इसलिए उन्होंने कितने पैसे उपलब्ध करके हमारे डिपार्टमेंट को दिया, 5 लाख करोड़। इसलिए जो भी इंडस्ट्री बंद की हमने चालू करके बताया, और पहला जो प्रोडक्शन था उससे ज्यादा प्रोडक्शन आज चालू है। कोरोना के बाद में बाकी के देश बहुत सारे बर्बाद हो गए, पर हमारा देश ने हमारे कोरोना के सफर में सब नागरिकों को बचाने का, प्रोटेक्ट करने का काम हमारे मोदी साहब ने किया हर क्षेत्र में। अब एक योजना है, ये बजट में आई विश्वकर्मा योजना, उसी क्षेत्र में अलग अलग जाति के लोग, जैसे सोनार है, लोहार है, कारपेंटर है, ये सब के लिए योजना आ रही है। मोदी जी ने कहा कि इनको मदद होनी चाहिए, अपने धंधे के लिए उनको पैसे देना चाहिए, लोन देना चाहिए। इस तरह लोग यह आ रही हाल तो मोदी जी का दार हर क्षेत्र। एससी एसटी के लिए कितनी योजना है, एससी एसटी के युवा को वो अपने उद्योग लगाना चाहिए, तरक्की करना चाहिए, तो उसके लिए अभी तक हम 500 करोड़ बांट चुके हैं। योजना शुरू हुई है साल में और 500 करोड़ बांट हमने डिस्ट्रीब्यूट विद्या बांटे हैं। तो हर क्षेत्र के लोगों, मुझे जानकारी में या कोंकणी मराठी लोग भी है, काफी लोग हैं, मैं उनको कहा कि आप महाराष्ट्र से यहाँ आए हैं, महाराष्ट्र से यहाँ आए, कल मैं गुजरात में भी मिला, वहां तो काफी ज्यादा है अहमदाबाद, तो यह तरक्की में जुड़ जाओ तुम्हें सगले दीव दमन आणि दादर हवेलीच्या विकासासाठी, प्रगतीसाठी आणि तुमचं सुखी संसार होण्यासाठी तुम्ही मेहनत परिश्रम करा, पैसे मिळवा, उद्योगाच्या माध्यम मिळवा, सरकार तुमच्या मदतीला तयार आहे, सरकार तुमच्या सेवेला तयार आहे। गरीब शब्द गरीब कल्याणासाठी आज हे आमचं अभियान आहे, संपर्क आहे, भविष्यामध्ये वर्षांनी काही वर्षांनी गरीब शिल्लक राहता कमा हे हा मोदींचा प्रयत्न आहे, आणि म्हणून त्यासाठी काम। भाई और बहनों, आप सभी को मिलकर इतने घटे को आज तक किसी के लिए रुकता है, पर आप जो रुके मेरे लिए रुके ऐसे नहीं, अपने नेता के ऊपर आप लोग का प्यार है। माननीय मोदी साहब जिस तरह से काम करते, 16-18 घंटा काम करते हैं, ताजुब हो जाते हैं। एक तो उनका दौरा जमी, इसके पहला था फॉरन में, और मंगलवार को रात को वापसी थी उनकी, और बुधवार को कैबिनेट होता है 11 बजे। तो हम समझा अभी आज रात को तो वो आएंगे, तो सवेरे कैबिनेट नहीं होगी। वो 4 बजे, तो हम बोला कैबिनेट कैसे, पर हम ऊपर के वहां कैबिनेट है होता है, हम जब इंटरव्यू हॉल में कैबिनेट, तो हम लोग सब कैबिनेट मंत्री के पहले
हमारे मोदी साहब उपस्थित थे, 4 बजे आकर भी 11 बजे मीटिंग कर, पीछे तत्पर है। देखो भारत की प्रगति, भारत के लोगों की प्रगति, हमारा भारत दुनिया में वहां सबका बने, हमारे लोग सुखी हो जाए, जिसने दिन रात काम करते हैं। तो ऐसे युग पुरुष के लिए, कर्तृत्ववान इंसान के लिए हमें साथ देना है, योगदान देना है, या अपना सबका फर्ज है, मेरे साथ सबका फर्ज। ऐसे आदमी बार बार किसी देश में जन्म नहीं, अपने देश बिहार तक है काफी लोग ऐसे निकले, मगर आज ये देश को तरक्की के तरफ, विकास के तरफ, दुनिया में नाम करने के लिए मोदी साहब जो काम कर रहे हैं, उनको साथ देने का काम। ये जो संपर्क अभियान है, लोकसभा संपर्क अभियान, मैं समझता हूं प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, मगर दो बात में विश्वास रखना सही नहीं होता। एक तो लड़ाई में बॉर्डर पे, जब तक नीचे सामने के जो जवान होंगे, दूसरे देश के हमारे साथ लड़ने वाले जवान होंगे, वो जब तक हथियार नीचे नहीं रखते, हाथ ऊपर नहीं करते, तब तक लड़ते रहना पड़ता है। चुनाव में जब तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं होता है, तब तक हम जागरूक रहना, ध्यान देकर वोटिंग पे ध्यान देना, हर वोटर हमारा इलाके का जा रहा है कि नहीं, वोट कर रहा है कि नहीं, जो बूथ प्रमुख पन्ना प्रमुख किसने, कि अपने पन्ने में जितने वोट 30 हो गए 35 हो गए, 35 के 35 वोट किया कमल को किया, इसके ध्यान रखना, इसके ये संपर्क का भी है। आप किसी तरह काम कर रहे हैं, किसी जानते मतदार संघ, बाकी के देश में मतदार संघ 15 लाख 18 लाख 20 लाख है, आपके इधर 2-2.5 लाख आता है। हम बिंदास से रहना, हमारा कैंडिडेट बड़े सब चुन के आएंगे, कुछ अब तक मेहनत करें, ऐसे नहीं, मेहनत लास्ट तक करो। इलेक्शन ऑफिसर घोषित जब तक करता नहीं, तब तक आपका काम खत्म नहीं हो, खत्म नहीं हो। इसलिए अब लगे रहो और लगे रहे कि देखकर मेरे को खुशी हो। तो मैं आप सभी का ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, मुझे भी भूख लगी, शायद आप 10 मई से पहले आप लोग को भी भूख लगी होगी। मैं जब एमएससी के माध्यम से फिर यहाँ आऊंगा, आपसे बातचीत करूंगा, अधिकारी को लेके यहाँ प्रोजेक्ट देने के लिए आऊंगा, जब जरूर आपसे वक्त पे आऊंगा और आप बोलेंगे उतना वक्त आपसे बातचीत करूंगा, भाषण करूंगा। मैं आज आपके पास आकर, आप काम जिस तरह से कर रहे हैं, हमें 2 MP दे रहे हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा संपर्क अभियान जरूर यशस्वी होगा, ये उम्मीद लेकर मैं आपसे जाता हूँ। आप सभी को मैं शुभकामना देता हूँ, लंबी उम्र की भगवान को प्रार्थना करता हूँ। आप लोग सभी लोगों ने जिस तरह का मेरा स्वागत किया।